हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राणा शुगर के बारे में, जो कि एक बहुत ही गुड फंडामेंटल वाली कंपनी है। जब से गवर्नमेंट की इथेनॉल वाली पॉलिसी आई है, तब से जितने भी शुगर्स के शेयर हैं सभी में बहुत ही तेज़ी देखी गई है, और ये तेज़ी लगभग 20-30% तक देखी गई है। 20-30% तक उछाल देखा गया है सारे के सारे शुगर स्टॉक्स में। जो राणा शुगर का स्टॉक है इसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरा फंडामेंटल और इसका जो रिटर्न्स है उसके बारे में पता लग सके। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके एक दिन के रिटर्न की बात करते हैं, तो वहीं शेयर ने लगभग 5% के रिटर्न दिए और अपर सर्किट पर बंद हुआ। और अगर हम 5 दिनों के रिटर्न की बात करते हैं, तो इसने पिछले 5 दिनों में लगभग 22% के रिटर्न दिए और लगातार ये अपर सर्किट पे अभी भी चल रहा है। और अगर हम इसके 1 मंथ के रिटर्न की बात करते हैं, तो 1 मंथ में लगभग 91%, जी हाँ, 1 मंथ में लगभग 91% के इसने रिटर्न दिए, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। और वहीं अगर हम 6 मंथ की बात करते हैं, तो 6 मंथ में लगभग 357% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स हैं। इस तरह के शेयर्स को मल्टीबैगर शेयर्स में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि जो इनका परसेंटेज ऑफ रिटर्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, बहुत ही गुड फंडामेंटल वाली कंपनीज होती है, इनमें जब भी कोई ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट क्लियर करने के बाद ये शेयर काफ़ी मूव करता है, जैसे कि ये शेयर मूव किया है। अगर हम इसके 1 ईयर के रिटर्न की बात करते हैं, तो इसने एक साल में लगभग 680% के रिटर्न दिए, जी हाँ, 680% के, यानी कि आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए तो वो आपके एक साल बाद 680,000 रुपए हो गए, जो कि बहुत ही बड़ा फिगर है रिटर्न के हिसाब से। अगर हम इसके 2 साल के रिटर्न की बात करते हैं, तो 2 साल में इसने लगभग 1046% के रिटर्न दिए, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो 2 साल बाद अगर आप उस पैसे को निकालते हैं, तो वो लगभग आपके 10,46,000 रुपए हो गए, 10,46,000 रुपए हो गए। और वहीं इसी तरह से अगर 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं, तो इसने 5 साल में लगभग 107% के रिटर्न दिए। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी शानदार रिटर्न भी देती आ रही है पिछले कई सालों से। और अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो कंपनी ने दिसंबर 2020 में 293 करोड़ रुपए की जो टोटल इनकम थी, और मार्च 2021 की बात करते हैं, तो वो 293 से बढ़कर 513 करोड़ रुपए हो गई। वहीं अगर हम टोटल इनकम में ग्रोथ की बात करते हैं, तो वो लगभग 75% से बढ़ी है मार्च 2021 में। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो दिसंबर 2020 में 268 करोड़ रुपए थे, और जो कि मार्च 2021 में 435 करोड़ रुपए हो गए। अगर हम टोटल एक्सपेंस ग्रोथ की बात करते हैं, तो वो 62% से ग्रोथ की है। वहीं अगर हम एबिटा की बात करते हैं, तो एबिटा 24 करोड़ से 77 करोड़ रुपए हुआ है, और एबिटा ग्रोथ की बात करते हैं, तो वो -65% से +212% हुई है। और वहीं अगर हम कंपनी के पैट की बात करते हैं, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो 20 करोड़ से 73 करोड़ बढ़ा है, यानी कि मार्च 2021 में 73 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर हम पैट ग्रोथ की बात करते हैं, तो वो -69% से 260% बढ़ी है, यानी कि बहुत ही बड़ा फिगर इसमें ग्रो किया है। और वहीं अगर हम एबिटा मार्जिन्स की बात करते हैं, तो जो एबिटा मार्जिन्स है, मार्च 2020 में 8.46% था, और मार्च 2021 में 15.11% हो गया। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं, तो वो 6% से 14% बढ़े, और बेसिक EPS की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, तो वो ₹1.32 से ₹4.72 हुए, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। तो कंपनी की इससे आपको आइडिया लग सकता है कि कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, क्योंकि ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू कई सालों से है, ये नहीं कि 1-2 साल में आई है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, तभी कंपनी में ग्रोथ आती है कई साल में। और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, तो प्रमोटर के पास 22.64% का हिस्सा है कंपनी का,
और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 73.36% है। अगर इसमें एफआईआई है उनका 1.23% स्टेक है और डीआईआई का इसमें 1.68% स्टेक है। और वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इसमें 74.45% स्टेक है। तो कंपनी में स्टेक भी ठीक ठाक है प्रमोटर्स का। और वहीं अगर हम मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो 100% बुलिश हैं। सबके सब जितने भी इन्वेस्टर हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, सब बाय करने की राय दे रहे हैं, बाय ऑन डिप की रणनीति को यहाँ बता रहे हैं। अगर हम इसके चार्ट्स की बात करते हैं तो लगभग 3 मंथ्स के कंसोलिडेशन के बाद अब जो चार्ट पैटर्न जो इसका शो कर रहा है वो एक जर्नी शो कर रहा है, यानी कि यहाँ से अब एक ब्रेकआउट भी शो कर रहा है। अगर ये 40 रुपीज़ का लेवल यहाँ से तोड़ता है तो इसमें 50 to 60 रुपीज़ के भी लेवल बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि अभी महीने दो महीने बाद काफ़ी शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं। तो जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते हैं और शादियों का जो सीज़न है वो स्टार्ट होने लगता है तो जो चीनी की डिमांड है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है, जिसको पूरा करना एक कंपनी के बस की बात नहीं है। उसके लिए सारी कंपनी बहुत जोर लगाती है और जो हमारी गंडे की जो पैदावार है वो भी थोड़ी कम है पहले से, तो इसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है पहले से, क्योंकि जो किसान हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं जब से गवर्नमेंट की इथेनॉल वाली पॉलिसी आई है। अगर आपको इथेनॉल वाली पॉलिसी का बारे में कुछ नहीं पता है तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस तरह के स्टॉक्स के बारे में पता लग सके, क्योंकि इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं बहुत ही मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज है तो आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक पे इसी तरह की कोई फंडामेंटल या टेक्निकल स्टडी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।